हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और आज हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का, डेसिमल का हो, बिना डेसिमल का हो, फ्रैक्शन में हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव का तो जानते हो आप, नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, आप देख लीजिएगा आज कैलकुलेटर में ट्राई करके कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर क्या होगा। तो ये हायर क्लास में जाता है, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। लेकिन आपके कोर्स में जो नंबर्स हैं, किसी भी टाइप का नंबर होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालने की मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरकीब बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया टेक्निक है और ऑथोराइज्ड टेक्निक है, ऑफिशियली अप्रूव्ड टेक्निक है और आपके कोर्स में भी इसको यूज़ करते हैं, वो टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अभी देखते हैं। और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस देखने के लिए जो बहुत लॉजिकल और बहुत कंसेप्चुअल है और जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये मैंने आपको अपने उसमें चैनल में डाले हुए हैं, आप उन्हें देखिए और एन्जॉय करिए। स्क्वायर रूट की एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने डाली है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप चेक कर लें। तो जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहले किसका स्क्वायर रूट जानते हैं, तो आप स्क्वायर रूट जैसे 15 का स्क्वायर रूट होता है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए 15 का स्क्वायर रूट है, तो आपको यहाँ से पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग कैसे करेंगे आप, यहाँ से दो दो की पेयर करेंगे, दो दो की पेयर बनाएंगे और यहाँ से बनाएंगे फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट। अगर आपके पास दूसरा बड़ा नंबर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ा सा नंबर ले लिया, 1444 ले लिया आपने, अब इसकी पेयरिंग करना है तो इसकी पेयरिंग दो दो के पेयर बनाएंगे, ये दो का पेयर बन गया, ये दो का पेयर बन गया, इसमें कोई इनकम्प्लीट मतलब कोई ऐसा छूट तो नहीं गया, नहीं छूटा, ठीक है, इसमें अब एक ये बच गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जो बचा हुआ पेयर है सिंगल है, इसमें ये किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये किसी नंबर के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, यानी इससे छोटा नंबर जिसका स्क्वायर निकालें और इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो 2 का स्क्वायर निकालोगे आप तो 4 आ जाएगा, वो तो चलेगा नहीं, तो फिर 2 से छोटा कौन होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो इसको लिखूंगा मैं 1 × 1, क्लियर। और यहाँ पर जो नंबर यहाँ आएगा उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब ध्यान से देखिए, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें मुझे ऐड करना है, तो ऐड करके 1 + 1 कितना बन जाएगा मेरे पास, 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे जैसे डिवीजन में करते थे। अब आप कैरी कर लें ऊपर से, क्या कैरी, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और ऊपर से कैरी कर लेंगे आप, ऊपर से आप कैरी कर लेंगे 25 कैरी कर लेंगे। अब आपको एक नंबर यहाँ बढ़ाना है और जो नंबर आप यहाँ बढ़ाएंगे वही नंबर आपको यहाँ बढ़ाना है, दोनों डिजिट सेम होना, दोनों डिजिट सेम होना। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 9 बढ़ा देता हूँ, यहाँ 9 बढ़ाया मैंने, तो 9 जा कितना होगा, 9 जा 81, 9 जा कितना होगा 18, 18 में 8 जुड़ेगा 200 समथिंग, बहुत बाहर हो जाएगा। तो अपन एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, सलाह देता हूँ, आप 5, अब अपन 9 से फिर कम में आ जाएंगे, फिर किस में आ जाएंगे, 8 में आ जाएंगे, 8 से में भी कम में आ जाएंगे, 6 में, 7 में आ जाएंगे, 7 का देखो, 7 को देखो, 7 जा 49, फिर 7 × 2 जा तो ये हो जाएगा 49, और 7 × 2 जा कितना होगा 14, तो ये हो जाएगा, आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 189, तो ये भी ज़्यादा हो गया। फिर 6 का लेना है आपको, तो 6 का लोगे तो फिर कैसे हो जाएगा आपके पास, 6 जा कितना हो जाएगा 36, और 6 × 2 जा 12, और 12 ये जोड़ोगे आप तो 156 आ जाएगा, तो फिर 6 से भी नीचे चले जाएं, तो 6 से नीचे अब कौन मिलेगा आपको, 5, तो 5 का देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, और 5 × 2 = 10, तो जो कैरी ओवर हुआ था 2 वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये देखो इसको माइनस कर दिया, ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो डिजिट हमने इंसर्ट किया 5 इंसर्ट किया तो वो यहाँ आ जाएगा। और आपकी पहचान कि आपका आंसर सही है कि नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 का डबल होगा, डबल, ये 15 का देखिए ये डबल है ना, 15 का डबल कितना है, 15 × 2 = 30। अब हमने ना बड़ा नंबर ले लिया, कौन सा नंबर ले लिया, 1444, फिर और बड़ा ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 3481, फिर इससे भी बड़ा लेंगे,
फिर ऐसे भी लेंगे जो फ्रैक्शन में आते हों, जिनके आंसर डेसिमल में आते हों, आप चिंता नहीं करें, साथ में रहें। देखिए इसमें दो के पेयर बनाए, एक का पेयर ये बन गया, दूसरे का पेयर ये बन गया। अब जब ये दोनों के पेयर बन गए हैं तो सबसे पहले ऐसा नंबर चूज करेंगे इस पेयर के लिए जिसका स्क्वायर इससे इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो, जस्ट छोटा, ऐसा नहीं कि कुछ भी चलेगा। तो आप लेंगे अपन सबसे पहले इसका, ये 14 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 14 किस नंबर के स्क्वायर से थोड़ा बड़ा है? तो 14 बड़ा है 4 के स्क्वायर से क्या? नहीं, 4 स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो 14 से बड़ा हो जाएगा। तो फिर ये 3, 4 से छोटा 3 होगा, फिर ये तो 3 के स्क्वायर से, तो ये देखो 3 3 जाए कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 3। ये जो नंबर लिखा मैंने यहाँ भी सिखाया आपको, ये आ गया आपके पास ऊपर। इन दोनों का सम ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया आपने तो आपके पास आ गया 5। और ये जो कैरी ओवर होके आएंगे तो इसमें पेयर आएगा पूरा की पूरा, एक नंबर नहीं आएगा, पेयर आएगा, तो ये आपके पास आ गया 4। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं तो दोस्तों देखो, ध्यान से सुनो, फिर जैसे हम डिवीजन करते हैं ना बिल्कुल उसी टेक्निक से चलेंगे। यहाँ पे मैं 9 सबसे पहले, सबसे बड़ा बड़ा डिजिट इंट्रोड्यूस करो 9, और देखो 9 9 जा कितना हो गया? 81। और 9 6 जा कितना हो गया? 54। तो इसको ऐड करेंगे तो 600 समथिंग आ जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? फिर हम यहाँ 8 इंट्रोड्यूस करेंगे, तो 8 इंट्रोड्यूस करेंगे तो 8 8 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 64। और 8 6 जा कितना होगा? 48 हो जाएगा। अब इसको देखो तो ये कितना आ गया आपके पास? इसको ऐड कर दो आप, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, 8 6 14, और कैरी ओवर ओके इसमें ऐड हो जाएगा 544। तो ये आ गया आपके पास 544। ये इसमें से इसको माइनस कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और ये जो नया डिजिट इंट्रोड्यूस हुआ था ये आप ऊपर लिख देंगे, तो ये ऊपर लिख दिया। अब आप इसको ऐड कर दो, 8 + 8 कितना हो जाएगा आपका? 16। 16 का 1 कैरी ओवर ओके इसमें आ जाएगा 76। देखो इसका डबल है क्या? यस इट्स डबल। तो ये इसका डबल है, तो ये इसका जब जस्ट डबल हो गया, 38 का डबल 76 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 38। अब आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से ये देखिए 544 है तो ये 544 लिख दीजिए, सॉरी ये 554 लिख दिया था मैंने, 544 लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अब अपने पास है 3481, दो दो के पेयर बनाना चालू कर दिए, दो दो के पेयर बना दिए मैंने, अब दो दो के पेयर बना दिए। सबसे पहले 34 किस नंबर का स्क्वायर 34 से जस्ट छोटा है? छोटे तो बहुत सारे हैं पर 34 से जस्ट छोटा, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, इससे बड़ा है। 5 का स्क्वायर होगा तो आप 5 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 5 × 5 लिख देंगे, जो भी डिजिट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये 5 लिख दिया मैंने। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25। इस 34 में से माइनस कर दिया तो ये 9 हो जाएगा। ये दोनों की दोनों कैरी होकर नीचे एक साथ आएंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 10 हो जाएगा, 5 + 5 = 10। क्लियर? अब आप यहाँ पे नंबर कौन सा इंट्रोड्यूस करेंगे? सीधे 9 इंट्रोड्यूस करें आप, सीधे सीधे सबसे बड़ा डिजिट आपको इंट्रोड्यूस करना है, सिंगल डिजिट 9। 9 9 जा कितना हो गया आपका? 81। आपका कैरी कितना हो गया? कैरी के लिए आपने कैरी हो गया आपका 8, और आपने किसको मल्टीप्लाई किया? 9 × 0 0 0 में 8 ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 8, और 9 बन गया कितना हो गया? 9। तो ये भी हो गया आपका। किसी के लिए भी ये मेथड लगा सकते हैं, और आप देखो अब ये हो गया 118, और यहाँ पर ये नया जो डिजिट इंट्रोड्यूस किया था आपने 9, ये यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो 59 का डबल हो रहा है क्या? इज इट डबल और नॉट? यस इट इज़ डबल। तो फिर ये आ गया आपका आंसर। अब आपको है कि इससे भी बड़ा केस लेके एक बताता हूँ तो आपको और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 33489, ये कितने डिजिट का नंबर लिया मैंने, तो आप ये देखो कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का। आप और जितने भी बड़े डिजिट का लेना हो उतना ले लें। दो के पेयर बनाना है, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, ये छूट गया, ये छूट गया, तो बस अब यहीं से स्टार्टिंग होगी हमारी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले वो नंबर
का स्क्वायर जो 3 हो, नहीं होता ऐसा, तो 3 से जस्ट छोटा तो फिर 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ आ गया 1, यहाँ 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना दोस्तों, 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2, ये 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2, दोनों ये पेयर पूरे कैरी होके आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 34। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा डिजिट इंट्रोड्यूस करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट, सिंगल डिजिट 9, और देखो उसको, अब उसको पहले चेक कर लेते हैं हम, 9 9 जा कितना होता है आपका, यहाँ पे देख लो आप रफ में करके, 9 9 जा कितना होता है आपके पास 81 होता है, 8 कैरी हो गया, 9 2 जा कितना होता है 18 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 261, तो फिर 9 नहीं चलेगा, फिर कौन चलेगा फिर आपको, तो फिर आपका उससे छोटा डिजिट, तो 9 से छोटा कौन होता है 8 होता है, 8 से देखो करके 8 8 जा आपके पास आ जाएगा 64, तो ये आ जाएगा 4, 6 कैरी हो गया, 8 2 जा कितना हो गया आपका 8 2 जा हो गया 16 16 में 6 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 224। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, अब ये डायरेक्ट ये पूरा की पूरा पेयर उतरेगा, तो पूरा पेयर उतर गया 1089, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 36। अब ध्यान से सुनो, अब आप फिर क्या करेंगे, एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करना है आपको, तो नया नंबर कौन सा इंट्रोड्यूस करेंगे आप, तो सबसे पहले 9 9 इंट्रोड्यूस करें, तो 369 इंटू 9, अब 9 की 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे देखें ये 9 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास, ऐसे ही देख लो, अगर मान लो कि ये 300 से बड़ा नंबर है, मान लो कि 300 है, तो 300 इंटू 9 कितना होता है 2700 हो जाता है 2700, तो ये 1000 से तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 9 नहीं चलेगा, तो क्या 8 चलेगा क्या फिर, तो 8 3 जा कितना होता है 8 3 जा भी 24 होता है, तो 2400 से भी बड़ा नहीं चलेगा, तो अपन एक काम करो फिर सीधे थोड़ा सा ज़्यादा कम कर लो, 5 5 पे आ जाओ, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 300 जैसा मानो तो 5 × 300 कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 1500 भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर 4 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओगे तो 4 से करेंगे तो 4 3 जा कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 1200 हो जाएगा, ये तो 1000 है, यानी 1000 है, तो 1000 या 1000 बोलेंगे इसको, तो 3 से देखो, तो जब 4 से नहीं बना तो फिर किससे काम बनेगा आपका, आपका काम बनेगा 3 से, तो 3 से देखो आप, 3 से देखेंगे अपन तो क्या जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, और 9 में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका कौन सा नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा मुझे, ये नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा 3। अब ये ऊपर ये देखिए, ये जो नया डिजिट इंट्रोड्यूस किया था वो लिखेंगे, और ये जो नया डिजिट इंट्रोड्यूस किया रहा था वो लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 183। अब इसका यहाँ पे देख लो, इसको ऐड करके ये बन गया 366, तो ये देखो 183 का जस्ट डबल है कि नहीं है, तो जस्ट डबल है, आप जस्ट डबल है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों 183, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपको ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट नहीं हो, डेसिमल में हो, तो ऐसा नंबर कि जिसका परफेक्ट रूट नहीं होता है उसका आंसर डेसिमल में होता है, तो डेसिमल में होता है तो सबसे पहले आपको 2 का याद है कि रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको रटने को कह देते हैं 1.43 समथिंग होती है, तो मैं 2 का आपको स्क्वायर रूट सिखाता हूँ, तो देखिए 2 से ही चालू करते हैं, 2 है तो 2 को जिसका स्क्वायर रूट मान लीजिए, इसका स्क्वायर रूट आप ध्यान से फिर से ध्यान दे दें इस बात को कि इसमें स्क्वायर रूट 2 के लिए अपन सबसे पहले क्या लेंगे, क्योंकि पेयर बन नहीं रहा, एक ही का पेयर बना, तो 2 ध्यान से देखो, 2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 1, 1 के स्क्वायर से ही जस्ट बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से देखना, अब 2 में से 1, ये क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक है, अलग है, तो 2 में से 1 मैंने माइनस किया तो मेरा आउटकम कितना है, अब मेरा आउटकम है 1।
अब ये इससे डिविजिबल है क्या टू से? अगर मैंने टू के बाद यहाँ कोई डिजिट रख दिया, जैसे मान लीजिए सबसे छोटा रख दूंगा, सबसे छोटा कौन रख दूंगा यहाँ? सबसे छोटा मैं यहाँ रख दूंगा, मान लीजिए कि मैंने वन रख दिया, तो वन रखने से ये हो जाएगा क्या डिविजिबल? अगर वन रखने से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो फिर वन से छोटे पे जाएंगे अपन। तो वन से छोटा कौन होता है? वन से छोटा होता है जीरो। लेकिन अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जब ये डिविजिबल होने के चांसेस बंद हो जाएं तो फिर आप इसको ऐसा लिख लें। आपको जितने डिजिट तक आगे जाना है ऐसे पेयर बनाते हुए आप, क्योंकि टू को आप लिख सकते हैं 2.00000, क्वाड्रा जीरो, हेक्सा जीरो, जितने जीरो चाहें आप बढ़ा दें। तो आप पेयर में क्या कर देंगे इसको, मेरी बात ध्यान से सुने, आप इसको पेयर में जीरो बढ़ाते जाएं। तो पेयर में जीरो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, अब आपने देखो ध्यान से सुनिए इस बात को, आपने पॉइंट इंट्रोड्यूस कहाँ किया इसके बाद, तो यहाँ पे भी आप पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दें और दो जीरो का पेयर सीधे की सीधे यहाँ उतार लें। अब आप सबसे पहले इसमें कौन सा डिजिट इंट्रोड्यूस करेंगे? सबसे पहले नाइन इंट्रोड्यूस करेंगे। नाइन इंट्रोड्यूस करें तो देखें आप, 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18। 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ो इसको। फिर आप कहाँ तक आएंगे? फिर 7 पे आएंगे, फिर 6 पे आएंगे, फिर 5 पे आ गए मान लो, तो 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 25 × 5 तो 125 होता है, वेल नोन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर अपन किस पे आ जाएंगे दोस्तों? 4 पे आ जाएंगे। तो चलो 4 पे आ गए, तो 24 × 4, 4 4 जा कितना हो गया आपका? 16। 4 2 जा 8 और ये 9, तो ये 100 में से 96 गए, तो 100 में से 96 गए तो अपने पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। और सीधे यहाँ पे 4 लिख दीजिए, जो नया डिजिट इंट्रोड्यूस किया ना हमने वो लिख दीजिए 4। फिर सीधे ये 00 यहाँ पर आ गए और आप इसको लिख दें, ये कितना हो गया? 24 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ इसको ऐड करते हुए लिखना है, तो ये आ गया आपके पास 28। अब 28 में नया डिजिट मान लो यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे अपन, कि जिससे ये 400 से जस्ट छोटा आए या 400 खुद आ जाए, 400 जस्ट छोटा है वो, देखो ध्यान से सुने आप। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप, अगर आप 400 है मान लीजिए और 28 में आप यहाँ पे 9 लाएंगे, तो 9 लाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो 1800 के आसपास पहुँच जाएगा। तो अपन बहुत जल्दी 5 पे आ जाते हैं, 5 पे आ जाते हैं, तो ये 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10, तो 1000 हो जाएगा। तो फिर 5 से भी नीचे आओ, तो अगर 4 इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, तो ये 800 के आसपास। तो और कम करो, 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 600, तो 3 से भी कम पे आ जाओ। 2, तो 2 भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, देखो मजे की बात कितना, अगर 2 इंट्रोड्यूस करोगे तो ये 400 समथिंग चला जाएगा, तो फिर आपको 1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब आप 1 इंट्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 281। अब 281, अब इसमें से आप इसमें से इसमें माइनस कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 119, और इसको आप लिख दें 282। यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे 1.41। अब अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें और जीरो बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ तो जीरो की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ तो जितने चाहे उतने जीरो आप बढ़ा दें। और अब आप यहाँ पे चाहेंगे तो आप दोनों जीरो यहाँ से उतार लें, तो दोनों जीरो आपके कैरी हो गए। फिर आप यहाँ पे 9 से इंट्रोड्यूस करें, यहाँ 9 करेंगे, फिर 9 से कम करते जाएंगे, फिर और कम करते जाएंगे, तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर चलेगा। तो ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि रूट टू इरेशनल नंबर है, तो ये तो आते जाएगा आते जाएगा, बहुत आगे तक आता जाएगा। तो हमें कहाँ तक निकालना है? तो हमें मान लो 2 डिजिट तक निकालना है, तो मैंने 2 डिजिट तक निकाल दी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि भाई 1 डिजिट तक और हम इंट्रोड्यूस करें, तो मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ अगर आप 1100 है, तो यहाँ अगर आपने 9, तो बहुत बड़ा है, 5 पे आ गए सीधे, तो 5 पे भी आ जाएंगे ना, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 16,000 समथिंग आएगा, तो मेरे को फिर 4 पे आना पड़ेगा। तो 4 पे देख लेते हैं आप, 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया। 4 2 जा 8 और वो जो कैरी हो गया 9, ठीक है, और 4 8 जा कितना हो जाएगा आपका? 16 और 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब आप इसको माइनस कर दें
अब जो भी आपका आंसर आए फिर आप चाहें तो 00 इंट्रोड्यूस कर लें और ये आप यहाँ पे 4 बढ़ा दें। तो इस तरीके से दोस्तों इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। और आप ध्यान से देखना कि इसका स्क्वायर रूट हमने कैसे निकाला, ये भी देखिए। और आप इसी तरीके से अगर कोशिश करेंगे तो आप रूट 3 निकाल सकते हैं। हो सकता है कुछ इंडिकेशन है, ये भी देख लें। आप चाहें तो इसको माइनस करके देख लें, एक बार देख ही लेते हैं। देखिए 4 4 जा कितना है, 4 4 जा 16 है, 6 आ गया, 4 2 जा 8 तो 9 हो गया, 4 8 जा 32 और सॉरी 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 तो ये 8 और 3 ये 11 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6, तो 604 और 00 आप और चाहें तो और बढ़ा दें और फिर आप यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 28। और फिर वही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जाते नहीं है, अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक यूज़ करते हैं। तो अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर रूट 2 कैसे निकालना है। सेम एक्सरसाइज आप, मैं कहता हूँ आप स्क्वायर रूट 3 के लिए करें, उसका 1.73 आता है, तो अप्रॉक्स आता है 1.73। तो ये उन नंबर्स के लिए है जिन नंबर्स के स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर नहीं होते। तो मेरी ये सारे नंबर्स के आप जो जिनके स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होते हैं वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। क्या इंट्रोड्यूस करना है, डेसिमल के बाद 00 00 00, जितने चाहें आप आगे बढ़ाते जाएं और आप इनको कैलकुलेट करें, निकालें और मुझे बताएं। प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर करें। अगर आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे लिख भेजें और चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये होपफुली क्लास 8 का टॉपिक भी है आपका, तो क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं वो इसको और ध्यान से करें और अपनी जो जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।